राम राम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 राम दिवाली होएगी पूरे भारतवर्ष के लिए। आगे आप लोग प्लीज तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राम दीपावली हो रही है पूरे देश में। आपने मुकेश अंबानी को देखा, सुना, उनके साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी भी मौजूद थी और शंकर महादेवन जब गा रहे थे तो कैसा अद्भुत समागम था। वाकई में इस वक्त यहां पर राम की पैड़ी पर भी वो शब्द, वो संगीत, वो गूंज राम भक्ति सुनाई दे रही है। और इस वक्त जिन मंडपों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं ना, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीर्तन क्या है और भजन क्या है। जब हम भजन यानी कि राम के नाम का गुणगान करते हैं, जैसे अगर मैं गाऊं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो ये हो गया भजन। लेकिन जब श्री राम की स्तुति करते हुए जब हम संस्कृत के श्लोकों को गाते हैं, जैसे आपने श्री रामचंद्र कृपालु भजन भी सुना, ये कीर्तन की श्रेणी में आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं, ये कीर्तन की श्रेणी में आ गया क्योंकि इसमें हम भगवान विष्णु के रूपों का बखान कर रहे हैं, उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं और वही कीर्तन होते हुए इस वक्त आप राम मंदिर के प्रांगण में भी देख रहे हैं और अयोध्या के हर चौक चौराहे पर श्री राम श्री राम श्री राम सीता राम, बस यही धुन सुनाई दे रही है। और अगर मुकेश अंबानी भी अयोध्या नगरी आकर, इस तीर्थ धाम आकर ये कहते हैं कि ये दीपावली राम वाली है, ये राम की दीपावली है, तो वाकई में ये उनके भाव है। प्राची, क्या कहेंगे आप? तो देखिए, भाव सिर्फ मुकेश अंबानी उनके परिवार के नहीं है, बल्कि ये भाव तो हर एक हिंदुस्तानी के हैं, हर एक राम भक्त के हैं जो इस वक्त उनकी जबान पर आ रहे हैं। किसी के आंखों से आंसू बनकर निकल रहे हैं, किसी की भावनाओं में निकल रहे हैं। कोई पूजा करके अपने प्रभु श्री राम के इस उत्सव में शामिल हो रहा है तो कोई अपना योगदान देकर प्रभु श्री राम के इस उत्सव में शामिल हो रहा है। अब देखिए, अंदर भी रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रस्तुति चल रही है, भजन में पूरा माहौल हो चुका है, राम में पूरा माहौल हो चुका है। और यही कोशिश इंडिया टीवी की भी है कि सरयू तट से आपको राम मंदिर की एक एक तस्वीर, राम उत्सव की एक एक तस्वीर हम दिखा सके। और जिस भजन को मैं भजन क्या कहूँ, मैं कीर्तन कहती हूँ कि जो हमने अधूरा छोड़ दिया उसे मैं पूरा कर देती हूँ, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये बाद में जोड़ा गया। असल में जब जिन्होंने इन पंक्तियों को रचा है, लक्ष्मण आचार्य जी, जब उन्होंने इसको लिखा था तब इसमें पंक्तियां कुछ और थी, मैं उन पंक्तियों को आज दोहरा देना चाहती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब आप देखिए ना, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, और इस वक्त मेघ यानी काले बादल, उन मेघों का वर्णन। और जब हम श्याम की मूरत की बात करते हैं, राम की मूरत की बात करते हैं, तो वो विग्रह भी जो हम देख रहे हैं, वो विग्रह और क्या है, वो भी तो श्याम वर्ण का ही है। और उन्हें बनाने वाले योगीराज, जिन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद इस राम जी की मूरत को बनाया, रामलला की मूरत को बनाया, तो वो भी तो श्यामल वर्ण की है। तो सुंदर विग्रह मेघ श्याम। देखिए, इतनी खूबसूरती के साथ ही अयोध्या में इस वक्त माहौल पूरा राममय हो चुका है। और जिन मेहमानों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मेहमान साक्षी बन रहे हैं इस राम उत्सव का। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच चुके हैं, राम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, मुख्य यजमान है। 11 दिन का कठिन अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप सोचिए, नारियल पानी सिर्फ पिया है, कंबल बिछाकर जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोए हैं, इसके
साथ ही साथ गौसेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो अपना कठिन संकल्प पूरा करने के साथ ही मुख्य यजमान के तौर पर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अब बहुत कम वक्त बचा है। देखिए, जो फासला सालों का था वो घटकर घंटों में सिमटा और अब घंटों का जो फासला है वो मिनटों में सिमट चुका है। यानी अब कुछ ही मिनटों का फासला रह गया है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान। जय श्री राम पधार रहे हैं। January 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए। आगे राम दीपावली की हम बात कर रहे हैं और केवल मुकेश अंबानी ही नहीं, आकाश अंबानी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी इसे हिस्टोरिकल मोमेंट के तौर पर बोला। उन्होंने कहा कि वाकई में ये जो क्षण है, ये जो तस्वीरें हैं, वो इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाली है और राम जी का मंदिर, ये जो भव्य मंदिर तैयार किया गया है, अगर उसकी आयु की भी बात करें, वो ऐसा मंदिर तैयार हुआ है कि हजार वर्षों तक चाहे जो हो जाए इस मंदिर की नींव डिगेगी नहीं। ये तस्वीरें वाकई में अनुभूति में और चार चांद लगा देने वाली है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य इस वक्त और एक एक वीवीआईपी गेस्ट जो है, वीवीआईपी गेस्ट कहना शायद आज शब्दों में ठीक नहीं होगा, एक एक राम भक्त आज राम मंदिर के इस प्रांगण में पधार रहे हैं, राम जी के दर्शन पाने के लिए पधार रहे हैं और हो भी क्यों ना, जिस तरीके की तैयारी की गई है। इस वक्त जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं कैसे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं राम जी के मंदिर पर, ये मनोरम दृश्य है, सुगंधित दृश्य है क्योंकि गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही है तो गुलाब तो अपनी सुगंध से जाना जाता है। तो देखिए, फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है और ये जो आप खुशी देख रहे हैं या जो आप ये तैयारी देख रहे हैं, ये कुछ दिनों की या कुछ वर्षों की तैयारी नहीं है। ये तैयारी तो राम भक्त बीते 5 सालों से कर रहे थे और ये तैयारी जब आज अपना मूल रूप ले रही है, ये तैयारी जब आज तस्वीरों में नजर आ रही है, तो उन्हें खुशी कितनी है, कितना उत्साह इस वक्त अयोध्या में है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप महसूस कर सकते हैं। अब बीच में वो राम मंदिर है जहां पर सनातन धर्म का केंद्र वो मंदिर बन चुका है, जो सनातन राजनीति बन चुकी है, राजधानी बन चुकी है और उसी मंदिर पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। तो एक मनोरम दृश्य आप इस वक्त अयोध्या में देख रहे हैं और जैसा कि बार बार हम आपको कह रहे हैं, इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं जय श्री राम की उद्घोष, आज तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अयोध्या में मौजूद लोगों के बीच का उत्सव, आज तो आप सिर्फ अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देख ही सकते हैं, अपनी आंखों से टकटकी लगाए आप देख ही सकते हैं कि प्रभु श्री राम का ये जो स्वरूप है ये कितना मनोरम है। और जब प्रभु श्री राम अपनी ही नगरी में एक भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है और कितने खास और कितने भव्य इंतजाम किए जाते हैं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब आम दर्शक कई हैं जो सनातन संस्कृति से परिचय रखते हैं और कई हैं जो नहीं रखते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें, देखिए कण कण में तो राम है, प्राण में भी राम है, श्वास में भी राम है, लेकिन जब हम मूरत की प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें प्राण लाए जाते हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि का सम्मान किया जाता है, विधिवत रूप से अनुष्ठान किया जाता है। मैं वो विधि आपको समझाऊं उससे पहले एक बार प्रांगण की ये तस्वीर तो आप देखिए जरा, ये कितने मन को मोहने वाली तस्वीर है। ये बड़ा सा धनुष आप देख रहे हैं, इसमें तीर देख रहे हैं और भगवान श्री राम को तो कोदंडधारी कहा जाता है, कोदंड यहाँ पर नजर आ रहा है, वो धनुष की आकृति आपको यहाँ पर नजर आ रही है और